हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सबका स्वागत है जुरासिक वर्ल्ड का एक और नया एपिसोड में। एंड गाइस, जैसा आप लोगों ने देखा था पिछले कुछ एपिसोड से जो है ना, यहाँ पे हम लोग जो है पीवीपी साथ साथ में जो है ना ओपी सब बैटल ले रहे थे इवेंट में। एंड जो है ना जितना भी इवेंट्स में हम लोग ने बैटल लिया, हमें वहाँ पे मिला है कंटिन्यूस ओपी सा लेजेंडरी वाला डायनो। एंड जितना भी डायनोस अपने पास था ना, हम लोग ने यहाँ पे ऑलमोस्ट सब डायनोस को हैच कर दिया है। अभी जस्ट अपग्रेड करना है यहाँ पे जो है, हम लोग ने यहाँ पे इवॉल्व करने के लिए छोड़ दिया है डाइनो का। इसको इवॉल्व होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इसको वेट करने वाला है। इसके साथ साथ इसका वेट के साथ साथ हम लोग लेने वाले आज ओपी सा बैटल। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा वाला इवेंट आया है जहाँ पे सबसे ओपी सा रिवॉर्ड होगा ना, हम लोग वही इवेंट पे बैटल लेने वाले। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो सबसे पहले चलते हैं इवेंट पे। एंड यहाँ पे इवेंट पे रैप्टर एम्बुश है, ग्लेशियल शिफ्ट है, और यहाँ पे तो इसमें तो कुछ मिलने नहीं वाला है। यहाँ पे भाई अपने पास जो है ना, यहाँ पे ओपी सा ये कुछ नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे दो है वेलोसी रैप्टर जेंटो एंड वेलोसी रैप्टर। तो एक काम कर लेते हैं, क्यों ना यही ले ले। हमें यहाँ पे कितना बैटल लेनी है? हमें लेनी है 3 बैटल। तो लेट्स गो। अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे ओपी सा इन लोग ने लेके आया है अपना सब जो है, यहाँ पे है क्या बोलते हैं भाई इसको, कार्निवरस। तो हम लोग जो है इन लोग को जाके हमें चाहिए बहुत सारी वाटर टाइप। तो मुझे नहीं लगता कि अपने पास इतना ज़्यादा वाटर टाइप भी है 3 बैटल लेने के लिए। तो एक काम कर लेते, सबसे पहले करने वाले इसको बेड बनाने से भाई ये एक फटके में उड़ा देगा। तो लेके चलते इसको इसको एंड इसको, लेट्स गो। अभी यहाँ पे हम लोग ने डायनासोर लेके गए हैं। अभी यहाँ पे हम लोग बैटल जीत पाएंगे कि नहीं वो मैं बोल नहीं सकता, बट हम लोग यहाँ पे जो है ना कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। एंड स्टार्टिंग में जो है अपना पॉइंट्स वगैरह को यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं एंड देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर ओपोनेंट ने डायरेक्टली अटैक कर दिया तो अपना डायनो का बनने वाला है पेटी, बट यहाँ पे ओपोनेंट ने खास कुछ किया नहीं तो हमारे लिए वो अच्छी बात है। तो हम लोग वापस से जो है अपना पॉइंट्स को करने वाले होल्ड एंड यहाँ पे देखने वाले कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। भाई ओपोनेंट का जो डैमेज प्लस जो एचपी है ना, काफ़ी ज़्यादा ओपी है। एंड उसके साथ साथ भाई ओपोनेंट ने अपना जो डाइनो है उसका यहाँ पे बजा दिया बैन। सो हम लोग 3 फटके में उसको उड़ा सकते हैं क्या? 1 2 3 ओके, हम लोग उसको 3 फटके में उड़ा सकते हैं। तो हम लोग ने 3 पॉइंट दिए अटैक में एंड उसके साथ साथ ओपोनेंट का फर्स्ट डाइनो जो है उसको भी हम लोग ने डाउन कर लिया एंड 3 पॉइंट को कर लिए होल्ड। अभी यहाँ पे आता है ओपोनेंट का सेकेंड डाइनो। अपना डैमेज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट ओपोनेंट का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड ओपोनेंट ने यहाँ पे अपना डाइनो को वापस से उड़ा दिया। ओके, हमें पता है कि ओपोनेंट के पास एक भी पॉइंट शील्ड में है नहीं, तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे 3 अटैक 3 शील्ड एंड 1 पॉइंट को होल्ड। तो यहाँ पे 3 अटैक के साथ साथ हम लोग ने भी यहाँ पे ओपोनेंट का दूसरा डाइनो को उड़ा दिया है। अभी फाइनल 1v1 है एंड यहाँ पे हम लोग का जीतने का चांसेस जो है ना, मेरे को थोड़ा हाई लग रहा है, क्योंकि ओपोनेंट के पास जो डाइनो है उसका मतलब एचपी थोड़ा कम है। बट ओपोनेंट ने यहाँ पे 4 ही अटैक कर दी, तो एक भी शील्ड में नहीं, तो हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा आराम से उड़ा सकते। तो लास्ट 5 पॉइंट्स यहाँ पे अटैक में देते हुए हम लोग ने ओपोनेंट का फाइनल डाइनो को उड़ा दिया है एंड हम लोग जो है ना यहाँ पे फर्स्ट बैटल जीत चुके, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। सो अभी चलते हैं सेकेंड बैटल की टूर्स। हमें यहाँ पे जीतना है टोटल 3 बैटल्स, उसके बाद रिवॉर्ड जो है ना वो तो अपने ही है। सो अपना यहाँ पे जो है वाटर टाइप का बन चुका है पीटी, तो अपने पास ज़्यादा वाटर टाइप है नहीं, ग्रास टाइप लेके जाने में कोई फ़ायदा है नहीं अपने अपने लिए। एंड हम लोग ये तो बिल्कुल भी लेके नहीं जा सकते। ओके, ये लेके चलते हैं दिस वन एंड लेट्स गो विथ, भाई इतना सारा ग्रास टाइप है, इसको लेके चलते हैं। उसके बाद अभी लास्ट में लेके चलते हैं इसको एंड यहाँ पे हम लोग जो है ना ये लास्ट जो डाइनोस है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए यहाँ पे बैटल जीतने का कोशिश करने वाले। आई डोंट नो यहाँ पे कितना हो पाएगा, बट हम लोग यहाँ पे कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग में करते हैं पॉइंट्स को होल्ड एंड यहाँ पे देख लेते भाई वेलोसिराप्टर इन लोग का भाई 100+ का मतलब जो है यहाँ पे आ चुका है लेवल का एंड अपना काफ़ी ज़्यादा अपना 10 लेवल का है, 40 लेवल का, 10, 20, 40, 30 लेवल का होने से मतलब एकदम ये जो है वापस मिल जाता। तो हम लोग ने यहाँ पे 3 पॉइंट देते हुए हम लोग ने भी ओपोनेंट का जो फर्स्ट डाइनो उसको उड़ा दिया है। अभी सब दोनों का एक एक डाइनो उड़ चुका है। यहाँ पे आता है ओपोनेंट का सेकेंड डाइनो एंड मुझे लगता है कि ओपोनेंट सेकेंड डाइनो को भी मेरा काफ़ी ज़्यादा आसानी से उड़ा देगा। मेरे को पॉइंट्स होल्ड करना चाहिए था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो एक काम कर लेते अभी 1 2 ओ भाई
तीन ही पॉइंट पे वो उड़ने वाला था भाई, मेरे को तीन पॉइंट में उड़ाना चाहिए था उसको या नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पर यहाँ पे हमें करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा। अभी ओपोनेंट के पास है थ्री पॉइंट, थ्री में से थ्री पॉइंट ही अटैक कर दी चीज़ें हम लोग। एक पॉइंट अटैक करते हुए हम लोग करते तीन पॉइंट को होल्ड। सो यहाँ पे एक पॉइंट में ओपोनेंट का डायनो को तो उड़ा दिया, पर अपना एचपी काफ़ी ज़्यादा कम है। सो ओपोनेंट ने एक फटके दिए तो उड़ने का चांसेस तो नहीं है, बट देख लेते कि यहाँ पे ओपोनेंट चार पॉइंट अटैक करता है कि नहीं। ओ भाई उसने चार पॉइंट वापस से अटैक नहीं की, तो हमें यहाँ पे बेट बनाना चाहिए, उड़ाना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो एक काम कर लेते, चांस ले लेते, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जीतने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम लग रहा है। तो यहाँ पे ओपोनेंट ने भी दी थी चार पॉइंट शील्ड में, अभी तो ओपोनेंट के पास चांस ही चांस है भाई, वो चार पॉइंट से जो है ना हमें यहाँ पे काफ़ी इजीली उड़ा सकता है। तो यहाँ पे ओपोनेंट ने चार अटैक करते हुए अपना जो फाइनल डाइनो है उसका यहाँ पे बना दिया है पीटी, एंड हम लोग यहाँ पे बैटल हार चुके हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा भाई दुख भरी बात है। अभी अपने पास खास कुछ डाइनो बचता नहीं है, हम लोग उसको लेके जा नहीं सकते, तो हम लोग क्या करें भाई, समझ में नहीं आ रहा। सो एक काम कर लेते हैं, लेट्स गो। अभी हम लोग जो है ना अपना ग्रीन कैश ही यूज़ कर लेते हैं। ग्रीन कैश यूज़ करने का मन तो नहीं था, बट अपने पास कोई ऑप्शन बचा भी नहीं था, तो हम लोग ने यहाँ पे कर दिया अपना ग्रीन कैश को यूज़, एंड हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं अपना पॉइंट्स को होल्ड। भाई अपना ऐसा कुछ कोई मतलब डाइनोज बहुत कम है जिसका एच पी मतलब 2K के ऊपर है, शायद एक ही डाइनो मेरे पास। रेस्ट जो डाइनो है ना उन लोगों का मतलब एच पी 2K तो पहुँचता ही नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। अभी हम लोग ने पॉइंट्स वगैरह को तो होल्ड कर दिया, यहाँ पे कोशिश तो कर सकते हैं। सो ओपोनेंट ने यहाँ पे दो अटैक करके अपना जो डाइनो है उसको तो यहाँ पे उड़ा दिया है, एंड अभी आता है अपना यहाँ पे सेकेंड डाइनो। आई थिंक तीन अटैक में वो उड़ेगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट हम लोग यहाँ पे जो है कोशिश कर सकते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे दे रहे थ्री अटैक, एंड थ्री अटैक के साथ साथ ओपोनेंट का जो डाइनो है उसका भी यहाँ पे बन चुका है पीटी। अभी यहाँ पे आता है ओपोनेंट का सेकेंड डाइनो, एंड ओपोनेंट के पास भी है थ्री पॉइंट्स, एंड यहाँ पे थ्री में से थ्री पॉइंट ही अटैक करते हुए ओपोनेंट ने मेरा डाइनो का भी यहाँ पे बना दिया है पीटी। तो अभी यहाँ पे आता है अपना फाइनल डाइनो। भाई अपना एचपी काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब जो डैमेज है वो तो यहाँ पे बढ़ा दिया है, बट एचपी कम है। सो हम लोग यहाँ पे तीन अटैक, तीन शील्ड एंड एक पॉइंट को कर दिया है होल्ड। अभी यहाँ पे देखते हैं कि ओपोनेंट का फाइनल मूव क्या होता है। सो ओपोनेंट के पास है चार पॉइंट्स, एंड चार में से चार में से चार ही अटैक कर दी, तो अपने लिए यहाँ पे एडवांटेज है। हमें पता है कि ओपोनेंट के पास एक भी शील्ड में है नहीं, तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे पांच पॉइंट को अटैक, एंड इसके साथ साथ ओपोनेंट का फाइनल डाइनो जो है उसका यहाँ पे बन चुका है पीडी, एंड हम लोग बैटल जीत चुके हैं। एक बैटल हारे बहुत गंदी तरीके से, बट जो बैटल्स यहाँ पे जो है ना हम लोग ने निकाल लिए, तो अभी हमें निकालना है फाइनल बैटल। एंड फाइनल बैटल जो है यहाँ पे मेरे को ऐसे धक धक हो रहा है, क्योंकि ओपोनेंट के पास काफ़ी ओपी सा डाइनोस है। एक काम कर लेते, इसका डैमेज ज़्यादा है तो इसको हम लोग ले लेते हैं, एंड लास्ट में लेके चलते हैं इसको। तो अभी हम लोग ने भी एक डाइनो लेके गया है जिसका डैम मतलब हेल्थ जो है ना 2K से ऊपर रही है। तो यहाँ पे अभी देखना है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। हम लोग ने पॉइंट्स को कर दिए होल्ड, यहाँ पे वेलोसिरैप्टर जेन 2 भाई बहुत गंदी तरीके से ये करेगा, ये उड़ाएगा मेरे को। उड़ा नहीं, नाइस वन। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे उड़ने वाला है, तो हम लोग वापस से पॉइंट्स को कर रहे होल्ड। यहाँ पे इसका भाई एक मतलब डाइनो ऐसे भी है जिसका जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग चार पॉइंट को होल्ड कर रहे हैं, दो पॉइंट को कर रहे हैं अटैक। बट ओपोनेंट ने दो शील्ड में दिया था इसलिए उसको जो है ना अपना एक भी अटैक नहीं पड़ा। अभी ओपोनेंट के पास है थ्री पॉइंट्स, वापस से अटैक नहीं किया, सही है भाई। 1 2 3 4 1 2 3 4, तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे चार पॉइंट को अटैक। सो ओपोनेंट दिया था तीन शील्ड में, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ही मतलब उसका हेल्थ कम कर दिया हम लोग ने, ज़्यादा नहीं कर पाए। अभी चार पॉइंट में से ओपोनेंट ने कर दिए चार पॉइंट में से चार ही अटैक, तो जो कि हमारे लिए अभी काफ़ी अच्छी बात है। तो हम लोग एक काम कर लेते, कितना फटके में वो होते देखते। 1 2 3, वो तीन में उड़ने वाले, तो हम लोग ने कर दिए तीन पॉइंट को अटैक एक शील्ड में, एंड चार पॉइंट को वापस से होल्ड। एंड ओपोनेंट का जो फर्स्ट डाइनो उसको यहाँ पे हम लोग ने उड़ा दिया। अभी सेकेंड डाइनो का 3K का हेल्थ है भाई, ये काफ़ी गंदी तरीके से उड़ाएगा मेरे को, पर यहाँ पे अटैक किया नहीं तो हमारे लिए अच्छी बात है। सो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे तीन अटैक, ये चार अटैक सॉरी, एंड चार पॉइंट को करते होल्ड। सो ओपोनेंट ने यहाँ पे दी थी चार पॉइंट, वाह वेरी नाइस भाई, वो इतना ज़्यादा पॉइंट्स को होल्ड कर रहे हैं ना, क्या ही बोले। अभी चार में से चार ही पॉइंट जो है अटैक कर दिए, एंड अपना जो डाइनो है
उसका यहाँ पे बना दिया है पीटी। तो अभी मेरा फाइनल डाइनो एंड ओपोनेंट के पास अभी भी स्टिल दो डाइनोस है, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल तो हो सकती है, बट आई थिंक इट्स वर्थ इट। तो यहाँ पे हम लोग ने कर दिए 3 पॉइंट अटैक, 3 शील्ड में एंड 2 पॉइंट को होल्ड। अभी यहाँ पे देखते हैं ओपोनेंट का फाइनल डाइनो। 3500 का हेल्थ है भाई इसका, अभी देखते हैं कि ओपोनेंट क्या करता है। सो ओपोनेंट ने यहाँ पे 4 ही अटैक कर दी। सो अभी तो भाई अपना जो रास्ता है वो हो चुका है क्लियर, एंड हम लोग यहाँ पे लास्ट 6 पॉइंट्स अटैक करते हुए हम लोग ओपोनेंट का फाइनल डाइनो को भी उड़ा दिया ना। हम लोग यहाँ पे बैटल जीत चुके। अभी देखते हैं कि हमें वेलोसी रैप्टर मिलता है या वेलोसी रैप्टर जैन 2 मिलता है अभी ऐसा रिवॉर्ड। तो यहाँ पे हमें ये तो मिल चुका था, ओके हमें मिल चुका है यहाँ पे वेलोसी रैप्टर जैन 2 का रिवॉर्ड। हम लोग ने यहाँ पे मतलब उसको हैश तो किया था बट उसको इवॉल्व किया नहीं है, धीरे धीरे करके आई थिंक अपना भी 100 रेसर लेवल चला जाएगा अगर इसको लेवल अप करते जाए तो। मैं इतना श्योर हूँ नहीं, बट अच्छी बात यह कि हम लोग ने यहाँ पे बैटल जीत लिया है एंड साथ साथ में जो है ना दो हमें वेलोसी रैप्टर जैन 2 मिल चुका है गाइस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ये भी बताने कि आज का जो एपिसोड है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पे जो है ना हम लोग ने हमें लेना था 3 बैटल बट हमें लेना पड़ा 4 बैटल, क्योंकि 1 बैटल जो है हमें यहाँ पे काफ़ी गंदी तरीके से हम लोग हार गए। साथ साथ में जो है ना हमें यहाँ पे ग्रीन कैश भी यूज़ करनी पड़ी क्योंकि अपने पास इनफ जो डाइनोज है वाटर टाइप था नहीं, तो अपने पास खास कुछ ऑप्शन बचता नहीं था। बट एट द एंड हम लोग ने जो है ना इवेंट में सभी बैटल कंप्लीट कर लिया एंड अपना जो रिवॉर्ड है वो भी क्लेम कर लिए, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो देखते हैं कि अगले एपिसोड में कौन सा वाला ओपी सा इवेंट आते हैं, हम लोग कहाँ पे बैटल ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तभी तक ले बाय बाय, टेक केयर।